नया रंग दिखाने आ रहे हैं सुदेश एज धर्मा एंड कृष्णा एज वीर। प्लीज वेलकम देम। जीतू वीर। अरे यार धर्म, यार लगता है हम लोग गलत रास्ते पे आ गए यार। ये तो हमें इतनी सारी फिल्में करने से पहले सोचना चाहिए था। अरे क्या मैं फिल्मों की बात नहीं कर रहा, जंगल की बात कर रहा हूँ। जंगल में हम लोग गलत रास्ते पे आ गए यार। तो ऐसे बोलना, ये कोई एकता का सीरियल नहीं जो छोटी सी बात के लिए 8 एपिसोड निकल जाएं। ये विपुल शाह का कॉमेडी सर्कस है, बड़ी से बड़ी बेइज्जती के लिए भी छोटे लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अच्छा ये बता, ये तेरा नया घोड़ा कैसा है? चल इतना एटीट्यूड है इसमें, मेरा दिल करता है इस कुत्ते का खून पी जाऊं। अरे यार धर्म, ये कुत्ता नहीं है, घोड़ा है यार। तो मैं इस जानवर के लिए अपना डायलॉग थोड़ी चेंज कर लूंगा। साले में इतना एटीट्यूड है, जब से मैंने इसको खरीदा है मेरे से एक भी ऑटोग्राफ नहीं लिया, उल्टा मेरे पे पूंछ मारता है। उसकी गलती नहीं है यार, वो तुझे देखकर कंफ्यूज हो गया होगा। पता है क्या है, इस कट में तू धर्मेंद्र कम और कोलकाता नाइट राइडर्स का चीयर लीडर ज्यादा लग रहा है। ऐसी बात नहीं, आजकल मैं बहुत टाइट रहता हूँ, इसलिए मैं टाइट कपड़े पहनना पसंद नहीं करता। अरे वो तो मुझे पता है, लेकिन इतने खुले भी मत पहना कर कि साला हवा है और बॉडी का इंटीरियर नजर आए। तू बताया मेरे दोस्त, तेरा ये नया घोड़ा कैसा है? क्या बताऊं यार, किसी काम का नहीं यार, बहुत बेकार हो गया यार। तुषार की बहुत बाद में करना, पहले घोड़े की। तुषार तो बड़ी बड़ी फिल्मों में बिजी है यार। अच्छा, अभी तक सुधरा नहीं वो? नहीं, मतलब वो कहता है मैं बड़ी बड़ी फिल्में ही करूंगा। अच्छा। छोटी फिल्मों में ज्यादा मजा नहीं होता कहता है। ये गलत बात है, छोटी फिल्मों में जो मजा है अंग्रेज कमाल कर रहे हैं। देख अंग्रेजों ने कितने बड़े बड़े मोबाइल बना दिए, छोटा सा लेके घूम रहे हैं। ये ले। अरे छोटी फिल्म मेरा मतलब कम बजट की फिल्म यार, जो हम लोग किया करते थे छोटी फिल्में। देख तो मेरे से गलत बात कर रहा है जीतू, हमने बहुत बड़े बड़े बजट की फिल्में की हैं। मुझे आज भी याद है कई फिल्मों में शूटिंग के समय सोहेल, हमें चाय के साथ काजू वाले बिस्किट भी मिलते थे और ये चाय पी जाता था और बिस्किट में से काजू निकाल के शाम को चखने में खाता था मुझे। खैर ये बता धर्म, धर्म आज के ओवर एक्टिंग मत कर। सुन ये बता आजकल क्या चल रहा है? आजकल बस मुझे पता है बंबई में जितनी बीएसटी बसें सब तेरी, बॉबी ईशा सनी ट्रांसपोर्ट मालूम। देखो मेरे बच्चों पे मुझे गर्व है, जोरदार तालियां मेरे बच्चों के लिए। कल तू तो जानता है मेरे बच्चे आजकल मेरे से भी आगे चल रहे हैं। अच्छा। कल मैं सब्जी लेने गया, मेरे से आगे आगे चल रहे थे। मेरा बेटा सनी, हाँ आजकल उसकी हर फिल्म हाउसफुल जा रही है। क्या बकवास कर रहा है? सच्ची बोल रहा हूँ, कल उसने हाउस में DVD लगाई, सारे पड़ोसी आ गए, हाउसफुल हो गया। और मेरे बेटे बॉबी का जवाब नहीं। क्या बात करता है? जिससे बात करता कोई जवाब ही नहीं देता। क्या? और ईशा कौन? तू भी नहीं जानता? कर छोड़। खैर मैं तुझे बताता हूँ, एकता आजकल बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत तरक्की कर रही है। वो तो करेगी, वो जो काम कर रही है वो बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ बहुत ही मुश्किल यार, डे नाइट काम करना पड़ता है। ताश के पत्ते देख के लोगों का भविष्य बताना कोई छोटी बात नहीं। क्या बकवास कर रहा है, ये सब थोड़ी करती है वो। मुझे क्या पता, मैंने तो सिर्फ हुलिया देखा। माथे पे चंदन, 5 उंगलियों में 800 अंगूठियां, ये भविष्य बता सकती है। और क्या मेरे दोस्त, एक बात बताऊं तेरे को? हाँ। एकता लोगों का भविष्य बताती नहीं, लोगों का भविष्य बनाती है। जोरदार तालियां एकता। तेरा फोन आया यार, 1 मिनट। मेरा फोन तेरी जेब में? अरे तू हमेशा कहता रहता था ना जीतू तू मेरा फोन नहीं उठाता, तू मेरा फोन नहीं उठाता। कल ड्रॉअर में से उठा लिया मैंने। सनी, सनी बेटे वो बॉबी किधर है? अच्छा सिलेंडर लेने गया। ओके बेटा। सनी था। हाँ। सनी यार बहुत बढ़िया लड़का है, उसकी गदर फिल्म में उसने कितना बढ़िया काम किया था। वो तो है। क्या हैंडपंप उखाड़ा था उसने। ओए हिंदुस्तान जिंदाबाद। लवली। अरे ये बोल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। हमें इस बात पे कोई गर्व नहीं कि तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। यार तू जानते हैं यार, धर्म हम लोग कितने सीरियस एक्टर हैं यार। मेरे दोस्त, पहले मैं भी समझता था, लेकिन जब मैं सीरियस होता हूँ ना ऐसे, तो लोग हंस पड़ते हैं। तूने मेरा शो देखा है? हाँ देखा ना, वो इंडियाज़ गॉट टॉयलेट। उसमें मुझे बहुत फायदा हुआ है। क्या फायदा हुआ? जब मैं इमोशनल हो जाता था ना, हाँ, तो मुझे बहुत सारी ऑफर आ गई सीरियल की। अच्छा। डेली सोप। अच्छा। पवित्र रिश्ता में मेन रोल मेरे को मिल गया। मानव का? नहीं, अंकिता का। तेरे को पता है इंडियाज़ गॉट टॉयलेट के जजिंग का मेरे को पहले ऑफर आया था। अच्छा। मेरे को बोलते 25,000 पर एपिसोड। मतलब भागो सालों इधर से, 25,000 में कौन? अच्छा किया तूने। हाँ। मैंने 40,000 लिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो भी पर मंथ। हाँ। तुम्हें कोई ऑफर आई? ऑफर? हाँ। अरे मेरे को तो हर महीने ऑफर आती है। अच्छा। कल ही फोन आया था। क्या कहते? पुराना टीवी देके नया टीवी ले लो, स्पेशल दिवाली ऑफर। बहुत ऑफर करता है। देख, हम लोग भी बहुत बड़े स्टार हैं। हाँ। लेकिन अभी आमिर जी कौन बनेगा करोड़पति कर रहे हैं, ऐसा कोई शो करना चाहिए हमको यार। पहले मेरे को ऑफर आया था कौन बनेगा करोड़पति। तेरे को आया था? हाँ। फिर मैंने ना कर दी, उनकी शर्तें बहुत थी। क्या बोलते हैं? कहते हॉट सीट पे पी नहीं सकते। तू तो जानता है, जो आदमी रोज पी के रात को कौन बनेगा करोड़पति से ज्यादा पैसा कमाता है, तो बाकी क्या रह गया। बात तो सही है, लेकिन हमारा काम एक ही जगह बन सकता है। कहाँ पे? सीसी में, कॉमेडी सर्कस। उसमें मैं छाऊंगा, तेरा वीर धर्म छा जाएगा। तू कैसे छाएगा? इंग्लिश में सीसी। हाँ। मेरे पास रोज रात को सीसी होती है। अच्छा, तू शो देखता है? वो हाँ, मैं देखता हूँ। तुझे सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है? कृष्णा के साथ जो लड़का आता है ना। अच्छा। हाँ। लेकिन ज्यादा टैलेंटेड वो कृष्णा है यार। उसकी बातों में आ गया तू भी। कृष्णा बहुत टैलेंटेड है यार। वो तो है। तू जानता है एक बात? हाँ। वो और अर्चना रोहित शेट्टी की पिक्चर में काम कर रही है, जिसका सेट जयपुर में लगा। फिल्म का नाम है बोल बच्चन, और कृष्णा ने फिल्म में बहुत अच्छा काम किया। क्या कर रहा है कृष्णा? एक काम करते हैं, हम लोग कॉमेडी सर्कस में ही चलते हैं। चलो फिर, बजाओ भाई। सोहेल, आप बताइए। यू नो, थ्रू आउट द होल एक्ट एक स्माइल था, क्या देयर इज एंजॉयमेंट। और आज कृष्णा एंड सुदेश, यू गाइस हैव कम एज धर्म जी एंड जीतू साहब। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एंडियरिंग एक्ट्स ऑफ कॉमेडी सर्कस। सो स्वीट। और एक बार धर्म जी और जीतू जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अर्चना, आप क्या कहेंगी? ये सही है कि ये जो जोड़ी है, ये वन ऑफ द बेस्ट, नहीं आई थिंक द बेस्ट जोड़ी है हमारे कॉमेडी सर्कस की थ्रू ऑल द सीजंस। फुल एंटरटेनमेंट मार्क्स फॉर दिस लवली एक्ट। थैंक यू। वाह वाह। तो दिवाली धमाल की शुरुआत की जाए। अर्चना, स्कोर दे दीजिए प्लीज। 9 points. Please welcome Mantra as Gajani and Vishakha as filmmaker. एक सेकंड यार, एक सेकंड। I'm sorry यार, I think मैं किसी गलत सेट पे आ गया। I'm very sorry। आप में से किसी ने इसको देखा है? You see, ये मेरे साथ अस्पताल में थी। मुझे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, इसको फुल टर्म मेमोरी लॉस है। सोहेल भाई, हाय। मैंने फिल्म बनानी है। You see, दिल्ली बेली के बाद मैं बना रहा हूँ शोले छोले। शोले छोले। गब्बर बनने का ख्याल मुझे बचपन से था और मैं बनना चाहता हूँ। डायरेक्टर को बुला लिया है, लेकिन तब तक कि मैं जरा स्क्रिप्ट में उंगली करता हूँ। मेरे कहने का मतलब स्क्रिप्ट पकड़ता हूँ मैं। स्क्रिप्ट डायरेक्टर है शोले का सेट, बेहतरीन। हेलो, हाय 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 आमिर, हाय हाय। माई सेल्फ रीमा भक्ति, हाय डायरेक्टर। अरे जिस फिल्म में मैं हीरो हूँ, उस फिल्म में मैं ही डायरेक्टर होता हूँ यार। शायद तुमने मेरी फेमस उंगलियों के बारे में नहीं सुना। आपने लगान सुनी है? लगान या तारे जमीन पर, धोबी घाट। इतनी सारी डाली नहीं, इसलिए चली नहीं। अरे आप समझ नहीं रहे मैडम, इस उंगली में बड़ा कमाल है। इस उंगली को लगा डाला तो फिल्म जिंगा लाला। हाँ। या बिल्कुल सही। यहाँ पे कोई गंदी सी स्मेल आ रही है। वो एक्चुअली मेरे से आ रही है मैडम। गब्बर के किरदार में घुसने के लिए मैंने क्या है ना, 3 महीने से मंजन नहीं किया या, और 6 महीने से नहाया भी नहीं, धोया भी नहीं है। मैंने मुंह नहीं धोने की बात कर रहा हूँ। देखिए डबल मीनिंग कॉमेडी मैं नहीं करता, उसके लिए मैंने भांजा रखा है। भांजा क्या बोलिए क्या ओके okay, तो सीन रिहर्सल करें ओके okay. हाँ तो सीन है देखो कालिया तुम्हारे पास आता है। एक सेकंड कुछ कालिया यार कालिया हाँ. तुम्हारा असिस्टेंट मेरा असिस्टेंट तो अमोल है यार अमोल हाँ. अरे गुप्ते रहने दो इस बात को एनीवे या बताइए कालिया को क्या करना है। हां तो कालिया समझो मैं कालिया हूं मैं तुम्हारे पास आता हूं कहता हूं सरदार मैंने आपका नमक खाया है। ये कालिया के साथ नमक का क्या प्रॉब्लम है यार। अरे यार इस कालिया को आयोडीन की प्रॉब्लम है यार, इसको लेके चलते हैं टेस्ट कराना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो तुम अपने आदमियों पे बहुत नाराज हो ठीक है क्योंकि उन्होंने तुम्हारा काम नहीं किया इसके लिए। हाँ, वो दो आदमी ओके फाइन एक सेकंड याद है सीन याद है हां ओके या म्यूजिक एक्शन नहीं वन ऑक्टेव हायर प्लीज। हां वो अपना काम करेंगे तुम अपना काम करो ना। एक सेकंड कितने आदमी थे। दो सरदार दो वेरी नाइस या आदमी दो थे हाँ। और तुम 3 बराबर 1 फिर भी वापस आ गए तुम सुरेंद्र के कच्छो। अरे ये क्या है सुरेंद्र के कच्छो क्या है हाँ? सुअर के बच्चों आई एम सॉरी मैडम नहीं मैं गालियां नहीं देता सॉरी मैं अपनी फिल्मों में गालियां नहीं देता। गालियां देने के लिए मैंने भांजा रखा है गौर से सुनिए सुरेंद्र के कच्छो ये ज्यादा डेंजरस गाली है। यू सी सामने वाला कालिया इतना इंसल्टेड फील करेगा कि वो बेहोश हो जाएगा उसके पहले। ठीक है देखो ठाकुर ने तुम्हारी सुपारी दी है ओके अरे वाह अरे थैंक यू यार आई एम सॉरी यार लेकिन मैं सुपारी खाता नहीं यार इट्स इंजूरियस टू हेल्थ। अगली बार तुम च्युइंगम भेजना। अरे ठाकुर तुम्हारा दुश्मन है हाँ। और तुम्हें उसके हाथ काटने हैं। अरे साला क्या बात कर रही है यार। अरे पागल हो गई क्या। अरे मैं को उसको काटेगा यार। अरे मैं आमिर खान है सोहेल खान थोड़ी ना यार। कैसी बात कर रही है। अरे आमिर खान यहाँ पर हाथ काटेगा सोहेल खान नंबर काटेगा फिर ठाकुर के पास बचेगा। इसको क्या हुआ इसका नेटवर्क चला गया। हेलो हेलो इसको लगा डाला लाइव झिंगा लाला। हेलो 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 कहां अरे उइला आइमा रवीना करिश्मा। हेलो 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 फिल्म कैरेक्टर अपना कैरेक्टर। अरे नहीं यार मैं रामायण में भीम का किरदार नहीं करूंगा यार। एनीवे आगे बोलो। अरे रामायण ने शोले बना रही हूं मैं। डायलॉग था होली कब है कब है होली। अरे जब तुमने उंगली की ना तब यहां थी होली अब दिवाली आ गई। अरे यार एक सेकंड यार एक बात बताएं ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। तू शोले क्यों बना रही यार एक बात बता। मतलब ठाकुर के हाथ नहीं है उसके बहू का पति नहीं है मौसी की शादी नहीं हुई है एके अंकल AK-47 से AK-87 हो गए। एक बात बता यार ये शोले बना रही है तू साइंस फिक्शन बना रही है यार। शोले बनानी है शोले। देखो यार मैंने गब्बर के किरदार पे बड़ा रिसर्च किया यार। गब्बर सिंह ने बड़ा कमाल किया था अपने टाइम में। क्या किया था? बड़े शुद्ध विचार और ऊंचे ख्यालों वाला इंसान था जैसे मध्यकालीन भारत के अंदर जो फकीर घुमा करते थे ना उनकी तरह। अरे पहाड़ों पे रहा करता था यार कपड़े नहीं बदलता था। तेरे को क्या मालूम उसके बारे में। इनफैक्ट उसके जो संवाद थे जो डर गया सो मर गया ये जिंदगी के अपार कृष्टियों के ऊपर रोशनी डालता है अरे लाफिंग सेंस देख यार उसका कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर हुआ करता था। कालिया और उसके साथियों को गोली मारने से पहले हंसाया सबको हंसो जब खुद हंस के मर गए उसके बाद गोली मारा। अरे इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ वो उस जमाने का अर्चना था रे। गब्बर और अर्चना पूरन सिंह। लेकिन किसने बनाया गब्बर को गब्बर किसने बनाया इनके अबू ने। कमाल है सलीम खान साहब ने ऐसा गब्बर सिंह का किरदार लिखा कि वो अमर हो गए इसलिए अब उनको गब्बर सिंह नहीं अमर सिंह कहते हैं समझ रही तू। तुम्हारे वो छोड़ो सब अमर सिंह छोड़ो क्लाइमैक्स के सीन पे आते हैं। क्लाइमैक्स देखो कील वाले जूते पहनकर ठाकुर आता है तुम्हें मारने के लिए। कील वाले जूते और मैं टिटनेस का इंजेक्शन लगवा के आता हूं। अरे यार तुम्हें मारने आ रहा है मारने। अरे ऐसे कैसे मारेगा यार। अरे कमाल करती है। अरे ऐसे ऐसे मार देगा यार आज के नंबर मिले ही नहीं हमें। अरे सुन इतिहास बदल सकता है कभी भी बदल सकता है। ओरिजिनल शोले के अंदर ठाकुर ने गब्बर को मार दिया था। यहाँ पे मेरी बात मान सोहेल भाई ऐसे नंबर दे डालो कि गब्बर ठाकुर को मार दे। क्या बोलते हो मार दे ठाकुर को। अर्चना क्या कहेंगी आप इस एक्ट के बारे में। उत्तरी यार तुमने क्या कर दिया यार। गब्बर का शोले हो गया यार। विशाखा यू आर वेरी गुड बट अगेन ये एक्ट था अपने आमिर साहब का। आई थिंक इट इज वेरी इंटेलिजेंट राइटिंग। दिस एक्ट वॉज थरली एंजॉयबल ऑन अ वेरी इंटेलेक्चुअल लेवल। वेरी नाइस। सुहेल मैं आमिर भाई को बस जानता हूँ और मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर उंगली भी करते और हर डायरेक्टर को 100 करोड़ के ऊपर लेके जाते दैन व्हाई नॉट बोथ ऑफ यू गाइस परफेक्ट टाइमिंग एज अ टीम। ये पर्टिकुलर एक्ट आई डिडंट इवन हैव टू सी इट। अगर मैं आंख बंद करता ना ओके आई वुड हैव स्टिल गिवन यू। अरे वाह थैंक यू कम ऑन है। Sohail reiterated what I said, that the lines were very intelligent to hear. Oh, 10 points! Wow. Please welcome Bharti as Chingam and Siddharth as various characters. ये मेरा गाँव है और मैं इस गाँव का चिंगम हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं चिंगम बना हूँ, लेकिन मैंने दबंग पे डांस क्यों किया? क्योंकि जज तो यहाँ सोहेल खान है ना। नंबर तो हमें उससे चाहिए ना। ये मेरा गाँव है और मैं यहाँ का चिंगम हूँ और मैं अपने गाँव से भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, गरीबी खत्म कर दूंगा, लाचारी खत्म कर दूंगा। मैंने सुना है कि मेरे गांव में रोशनी नाम की लड़की की पर्स की चोरी हो गई है। रोशनी, झूठ है कि सच? क्योंकि झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे, नहीं बर्दाश्त है मुझे झूठ। अरे देवा रे, अरे काय करूं रे साहेब, साहेब मेरा पति गुम हो गया साहेब। चुप कर। तेरा पति गुम हुआ है? हाँ। उस बेचारी का तो पर्स गुम हुआ है। अरे लेकिन पति इम्पोर्टेंट है, पर्स। ऑफ कोर्स पर्स, क्योंकि पति के पैर होते, वो चल के आ सकता, पर्स के पैर नहीं होते। तेरा काम बाद में करूंगा, पहले रोशनी का पर्स ढूंढ के दूंगा मैं। नहीं साहब, आप पहला मेरा काम करो, नहीं तो आपके बड़े साहब के पास जाऊंगी मैं। उनका नाम है जयंत शिकरे। और मेरे गांव में मैं चोरी नहीं होने दूंगा। चिंगम हूं मैं, चोरी। ए मेरा पर्स किधर है? ए मेरा पर्स किधर है? ए काजल, मेरा पर्स किधर है? बंद कर रे। मैं हूँ जैन सिकरे। शौक लगा लगा लगा, शौक लगा लगा लगा। अर्चना जी पूछ नहीं रहे हो, बता रहा हूँ। पीछे किसने नंगी तार रखी थी। ऐसी जगह शौक लगा, आपको बता नहीं सकता मैं। आता माझी सटकली पण वेगळी सटकली। वैसे मैं हूँ जयंत शिकरे। आपने सोचा होगा मैं विलन हूँ, लेकिन मैंने वांटेड पे डांस क्यों किया? अरे आप उनका नंबर तो सोहेल भाई देंगे ना भाई। मेरी काम वाली को किसने तकलीफ दी? किधर है वो? किधर है वो बाजराओ चिंगाम? किधर है? चिंगम। अच्छा डांस किया, फिर से कर। म्यूजिक करते रहे डांस करते रहे। एक काम करना, तेरे तेल डालना, मजा आएगा। चिकरे, ये मेरा गांव है, मैं इस गांव का चिंगम हूँ। अबे तू चिंगम नहीं, तू बबल गम लगता है, बबल गम। कोई फूगा के छोड़ गया। किधर का चिंगम हूँ मैं? है ओह सॉरी, बैठू चलेगा ना? कुर्सी बैठू चलेगा ना? नहीं तो जो डायलॉग मारेगा ऐसे कुर्सी को लात मार के, जब तक खड़ा रहने को कोड़े, बैठो मत। यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। ये तेरी गलतफहमी है दोस्त। okay. मैं तो कहने वाला था उस वाली कुर्सी पे आराम से बैठो। देखा सोहेल भाई, अपना दरारा विलन है, विलन। पुलिस स्टेशन भी डरता है उनसे। ए साले, तेरी औकात दिखाऊंगा साले। चिंगम चिंगम से ऐसे बात करता है? अबे एक आवाज तू, तूने पुलिस वाली की टोपी पे 3 शेर देखे होंगे, लेकिन तेरे लिए चिकरे, तेरे लिए एक हाथी ही काफी है। आली रे आली, आता तुझी पाळी आली। तेरी तेरी औकात दिखाऊंगा तुझे, अभी के अभी पुलिस स्टेशन में मारूंगा तेरे को, अभी के अभी। चुप कर। तूने 2 लाइन बिना पंच के बोली अभी के अभी। ये दोनों 8-8 नंबर ऐसी जगह के मारेंगे, अभी के अभी। अबे मेरे को 8-8 नहीं मिलेंगे अभी के अभी। मेरे को सोहेल भाई फिल्म में साइन करेंगे, अभी के अभी। इससे पहले कि ये हमें और पकाए, आप दोनों फटाफट नंबर दे दो, अभी के अभी। और अच्छे मार्क देना क्योंकि आपको तो मालूम है कुछ भी करना लेकिन हम दोनों का ईगो हर्ट नहीं करना। अभी के अभी। अर्चना बताइए कैसे लगी आपको हमारी चिंगम? Lots of energy, lots of physical comedy, and बहुत बढ़िया timing. Very good act. Thank you. Thank you. Sohail. मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा. Bharti, you have arrived in a very big manner. और आपका ये partner है, he is very difficult to compete with. और Bharti, मुझे आप आज इतनी पसंद आई हो क्या आपके लिए? Sorry सिद्धार्थ, लेकिन आज आपके partner के लिए. नहीं नहीं सर. Wow, 10 points. From me today, it's a 9. 9 points. Kapil as Gaonwala and Shweta as Diya Sen. Hello, Mom. तेरी बेटी का दिमाग खराब है क्या? उसको पता नहीं मैं हीरोइन के साथ डिनर करने जा रहा हूँ, मेरा कोट पैंट पहन के निकल गई। आप उसको बोलना फिर अभी उसका मैंने भी शादी वाला लहंगा पहन लिया है। अभी उसको अकल नहीं है क्या? चल ठीक है अभी मत अब फोन रख भी। अर्चना हाँ? आपको पता है मेरा कब का सपना पूरा हो गया? हाँ? मैं कितने सालों से बाबा बगीची वाले की प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान मुझे ये मौका मिले। मुझे मतलब बचपन से मैं इस हीरोइन का इतना फैन हूँ ना। हाँ? लेकिन पहले मेरे को लगता नहीं था कि बाबा बगीची वाला मेरी मन्नत पूरी करेगा। हाँ? क्योंकि उसकी खुद इस पर गंदी नजर थी। मैं बात कर रहा हूँ मशहूर हीरोइन दिया सेन की। ये चांस मेरे को ऐसे नहीं मिला। सर ऐसे नीचे क्यों देख रहे हो? आपने थोड़ी कुछ गलत किया, उसने किया है। वो कर रहा है मुंह नीचे। मेरे को एक्चुअली मैंने चूरन में से मेरा लकी ड्रॉ निकला है कि पूरा दिन हीरोइन के साथ बिताने का मौका और रात को डिनर करने का मौका। ये ऐसे नहीं मिला मेरे को। मैंने पूरे 6 महीने चूरन खाया है। हालांकि मेरा पेट भी खराब नहीं था, लेकिन इतना चूरन खाने की वजह से इतना ज्यादा साफ हो गया है। अब पूरा सेब खाता हूँ, पूरा ही निकलता है विद स्टिकर। टिंग टोंग टिंग टोंग। आई रे बाबा, कौन आ जाता है बार बार दरवाजे के ऊपर? कौन है रे तू? ये मेरा नाम पिंकी है। पिंकी तो औरत लोग का नाम होता है ना? पूरा तो सुन ले। पिंकी मेरा निकनेम है, पूरा नाम पिंकेश, पिंकेश कुमारी। काम क्या है? वो गैस पकाने वाला चूरन आता है ना? वो नहीं चाहिए, जाओ। तेरा दिमाग खराब है? तेरे को मैं क्या कपड़ों से चूरन बेचने वाला लग रहा हूँ? नहीं रे बाबा, तू तो मेरे को गटर साफ करने वाला लग रहा है। तेरी मैडम ऐड करती ना चूरन का, उसमें से मेरा लकी ड्रॉ निकला है। पूरा दिन बिताने का और रात को डिनर करने का मौका मिला है मेरे को। अगर भाई हाँ, वो तू है क्या? हाँ मैं ही हूँ। तेरी मैडम किधर है? वो बाथरूम में। बाथरूम में? देख मैं पहली बार आया हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता, उसको इधर ही बुला ले। ए एड़िया, वो बाथरूम में फ्रेश हो रही है। क्या बात कर रही है? हीरोइन लोग भी फ्रेश फ्रेश होती हैं। क्या मतलब? फिल्म में तो कभी दिखाया नहीं, फिल्म वगैरह में। अरे क्या एड़ा है रे बाबा, उसका पेट अपसेट हो गया है, इसके लिए आधे घंटे से बाथरूम में ही बैठी है। तो मैडम को बोलना जिस चूरन का ऐड करती खुद भी खा लिया करे थोड़ा थोड़ा। अब तो मैडम डायपर का भी ऐड करती है, तो क्या डायपर लगा के घूमेगी? अरे कल शूटिंग पे कुछ उल्टा सुल्टा खा लिया, पेट खराब हो गया। पता है मैडम सुबह 6 बजे आई शूटिंग से। 6 बजे? क्या बात करती है, मैडम भी कॉमेडी सर्कस करती क्या? हमारी मैडम ना ऐसा छोटा मोटा शो नहीं करती है। अच्छा, तो जो मैंने उसका क्लिप देखा था छोटा सा, उसका प्रीमियर के लंदन में हुआ था। कौन सा क्लिप? ए मेरा मोबाइल मत खुलवा। तू बता तू कौन है? मैं उनकी काम वाली बाई है। तू काम वाली है? तू तो बड़ी काम की चीज है। मतलब कितनी खूबसूरत काम वाली है कि हमारे गांव में काम वाली होती है शक्ल अवतार गिल जैसी, नखरे जेनिफर लोपेज वाले। सुन, मेरी माँ ने साड़ी भेजी तेरे लिए। क्या मेरे लिए साड़ी कोई भेजी? अरे साड़ी नहीं, वो तो बिकनी भेज रही थी पहले। तो वो मेरे पिताजी को पसंद आई, उन्होंने पहन ली। तेरे बाप का बिकनी से क्या लेना देना? बिकनी से ही लेना देना है। हमारे गांव में हर साल जंबो सर्कस लगता है, आग वाला छल्ला होता है ना, उसमें बिकनी पहन के ऐसे कूदता है। हा? पिछली बार थोड़ी सी बिकनी फटकी तो ओवर एक्सपोजर हो गया था ऐसे। क्या रे? तेरा बाप बिकनी पहनता है? ये 24 घंटे थोड़ी ना पहनता है, वो तो कहीं आना जाना हो रहा है पार्टी में तो वैसे तो मैक्सी पहनता है वो। क्या एड़ा बाप है, तेरी माँ उसको समझाती नहीं है क्या? माँ क्या समझाएगी, वो तो खुद बाप का कुर्ता पजामा पहन के बीड़ी लगा के घूमती रहती है। उसको क्या पता माँ को। मेरी माँ ने तेरे बड़े प्यार से भेजी, देख तो सही, देख तो सही। हैला क्या मस्त साड़ी है रे, पर ये क्या, इसमें तो छेद है। ओहो गलती से पिताजी वाली आ गई। वो क्या है ना कभी कभी मूड आता ना तो साड़ी पहन लेते, अब मर्द आदमी है खड़ा खड़ा करेगा तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। मुझे नहीं चाहिए तेरी साड़ी, किधर से आ जाते रहे लोग पागल लोग। तेरे जैसी भाइयों के मुंह लगता दबा दे जाके। अरे जा मेरे को भी तेरे मुंह नहीं लगना है। आ गया किधर का तो कार्टून। छी बाबा कैसा कैसा साड़ी लेके आता है। अकड़ देखी इसकी, ऐसी भाइयां होती हैं सामने बनिए से उधार लेने के चक्कर में ना झुक झुक के पोछा लगाती हैं। मैं अंदर से दुखी हूँ सोहेल भाई, ये जो कृष्णा है ना मेरे साथ रोहित शेट्टी ने धोखा किया है। सारे सीजन में मेरी तारीफ करता रहा, फिल्म में ले लिया कृष्णा को। आपको तो पता ही है जयपुर में सेट लगा हुआ 20 बार बकवास करता है रोज, आपको तो पता ही है। अब इस सुदेश जी ने ऑलरेडी रेडी करी ली सलमान भाई के साथ, अब बचा मैं तो कहता हूँ भाई मेरे को ले लो आप। मेरे से सच में नहीं होता ये सब कुछ, मैं एक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं वैसे भी आप तीनों भाइयों का बड़ा फैन हूँ। क्या तिकड़ी है आपकी, एक भाई सुपरस्टार, एक सुपरस्टार डायरेक्टर, एक सुपरस्टार प्रोड्यूसर। आपस में फिल्म बना के आपस में हिट करके आपस में पैसे बांट लेते हैं। तो वो तू है जिसे मेरे साथ एक दिन बिताने का और रात को डिनर करने का मौका मिला है। जी मैं ही हूँ, पर वैसे आप चाहे तो एडजस्ट कर सकती, जैसे डिनर की जगह भले ही ब्रेकफास्ट दे दो, बाकी रात दिन। आइए बैठ के बात करते ना 2 मिनट, आइए बैठ जाइए। मैडम एक बात बताएं, वैसे ये जो जब फिल्में होती हैं, हेलो दिख रही टांगे कि इधर हटाऊं इसको? तुम्हारा ही सोच रहा हूँ कमबख्तो। ये जो फिल्म में जब विलेन आपके साथ जबरदस्ती करता है तो हीरो एकदम टाइम पे आता है। तो ये मतलब हीरो को कैसे पता चलता है? आपके पास वॉकी टॉकी होते हैं? अरे स्टूपिड, ये स्क्रिप्ट की वजह से वो टाइम पे आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हमारी तरह अगर स्क्रिप्ट लेट मिले तो आपकी तो इज्जत लुट जाए। इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े जब भी कभी पहनती हैं, जितने भी जो भी मतलब। तो ये मतलब किसके होते हैं? हमारे प्रोड्यूसर के। क्या बात कर रही हैं? तो मतलब जब तक आप एक्टिंग कर रही होती वो नंगा बैठता है? स्टूपिड, वो खरीद के लाता है। खरीद के लाता है अपने पैसे से? हाँ। तो हमारे प्रोड्यूसर को क्या मौत पड़ी है? साला हम लोग जो अपने पैसे से सामान खरीदते वो भी ले जाता है, पर तो मेरा स्कूटर ले गया था। ग्रोस ग्रोस प्लीज, मेरे पास ना तुम्हारे इस फोकट सवालों के जवाब देने का कोई टाइम नहीं है। मेरे सवाल फोकट के? हाँ। तो ठीक है, अगला सवाल 1000 रुपए के लिए आपके सामने ये रहा। आगरा किस चीज के लिए फेमस है? ताजमहल के लिए और आगरा के पेठे के लिए और पागल खाने के लिए। वेरी गुड, आप जीत गई हैं 1000 रुपया। ये 1000 आपको तब मिलेगा जब आप पागल खाने का एड्रेस भी बताएंगी। मुझे एड्रेस कैसे पता हो सकता है पागल खाने का? क्या तुम्हें एड्रेस नहीं पता? नहीं। तो फिर मैं वापस कैसे जाऊंगा? क्या तुम पागल हो? तेरा दिमाग खराब है। एक बार ऐसे मेरे को ना पागल खाने के वॉचमैन ने कहा था, कह रहा तू पागल है। मैंने फिर चक्कू निकाला, उसका पेट फाड़ के रख दिया मैंने। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा साला इसने तो खुद का कत्ल होते हुए देख लिया, ये तो पुलिस को बता देगा। फिर मैं उसकी मेन चीज उतार के ले आया। पागल पुलिस को फोन करो। पागल खाने में मेरे को पागल बोलता था। पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करो। ए, तू क्या फोन करेगी मेरे को? फोन तो मेरे को एक डायरेक्टर का आएगा अपनी अगली फिल्म के लिए, और अगर नहीं आया तो जब मैं वॉचमैन की मुंडी उड़ा सकता हूँ, फिल्म में एक्टिंग तो कर ही सकता हूँ। भाई शेर खान हिट है, आई एम वेटिंग योर कॉल। शेर खान हिट है भाई, अब तारीफ कर दी, अच्छी अच्छी बनाना। थैंक यू। अर्चना, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। वाकई में अगर कोई बीमार हो कपिल, तो आपका कोई भी एक्ट उसे दिखा दीजिए, वो यकीनन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू मैम। श्वेता, यू आर टू हॉट फॉर दिस स्टेज। एक दिन आग लग जाएगी यहाँ पर, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं है। बोथ ऑफ यू आर डायनामाइट। Too good. Thank you so much, ma'am. दिवाली के इस पटाखा परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? श्वेता, what a transition यार। और मुझे लगता है कि जो अर्चना ने आपके बारे में क्या कहा, वो बिल्कुल गलत है। आपको कोई मरीज के सामने नहीं जाना चाहिए, बिकॉज अगर आप उसको हंसाओगे तो हंस के मार भी मरीज आएगा। सो आइदर वेज उसकी मौत है। आप फैबुलस। थैंक यू। तो भाई कुछ फायरवर्क्स डिस्प्ले हो जाए, नंबर्स प्लीज। अनडाउटेडली। थैंक यू सोहेल भाई। और मार्क्स हैं ही नहीं मेरे पास, तो इतने ही ले लो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मल्टीप्लेक्स के आने के बाद सिंगल थिएटर पर क्या बीत रही है, इसकी कहानी सुनाने आ रहे हैं खुद थिएटर। प्लीज वेलकम सुगंधा एंड राजीव एज वेरियस कैरेक्टर्स। मैं हूँ सिंगल स्क्रीन यानी कि पवन टाकीज। सॉरी, मेरा तो पोस्टर भी लगा, मैं तो इतना गरीब हूँ। लेकिन आइए आइए, सीटी बजाइए, ताली बजाइए, और अगर कॉर्नर वाली सीट मिल जाए तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म ही देखिए। वेलकम दिस वे, कम दिस वे। मैं हूँ मल्टीप्लेक्स। जी हाँ, आइए अपनी फैमिली के साथ, आइए अपने दोस्तों के साथ, आइए बैठ कर, लेट कर, एसी में फिल्म का मजा उठाइए। बड़े से बड़े लाफ्टर सीन को भी बहुत शांति से देखिए। एक साथ बहुत सारी फिल्मों का लुत्फ उठाइए। अगर आप देखना चाहते तेरे नाम में सलमान के साथ भूमिका चावला के होठ बहुत ही मुफ्त, तो देखिए तेरे नाम। जी हाँ, देखिए देखिए। हेलो, क्या तो मेरे साथ वाले सिंगल स्क्रीन को तुड़वाना चाहते हो? वहाँ पे नया मल्टीप्लेक्स बनेगा। वाह! नहीं, बचाओ बचाओ सोहेल जी, अर्चना जी, मुझे बचाइए, ऐसा मत करने दीजिए प्लीज। आपको पता है कि मैंने आपको क्या क्या दिया है। याद कीजिए वो समय, राज साहब का समय, देव साहब का समय। देव साहब का समय इतना पुराना। देव साहब एवरग्रीन, इतने एवरग्रीन है कि उनको अभी नए शो बिग बॉस में बुलाया तो उन्हें वहाँ जाने से मना कर दिया। कहते भाई मैं एक बहुत ही जवान बांका सा एक यंगस्टर, और ये तेरा बुढ़ियों में मेरा क्या काम। सोहेल बेटा, ये तुम्हारे लिए था। प्यार पल भर के लिए झूठा ही सही, लेकिन मुझे पल भर के लिए लोग प्यार करते हैं, क्योंकि पल भर से ज्यादा मैं किसी की बाहों में टिकता ही नहीं हूँ। रमेश बाबू, मैं यहाँ आई और आप चल दिए। मैं जा नहीं रहा हूँ, मेरा खड़े होने का स्टाइल ही ऐसा है। रमेश बाबू, मैं तो तुमसे शादी करने आई थी, मगर तुम्हारे चाल चलन को देखकर मैं डर गई। हाँ? ये क्या बोल रही हो? हाँ? कौन कहता है कि दो हाथ से ताली बजती है? इनकी तो दोनों हाथों से भी नहीं बज रही। रमेश बाबू, हमसे रहा नहीं जा रहा, चलिए थोड़ा प्यार कर लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रमेश बाबू, टहनियों से प्यार करके कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। तुम टहनियाँ हिलाते रहो, और अगर आपको भी मजा आ रहा है तो क्यों गिराना चाहते हो सिंगल स्क्रीन? अर्चना जी, आपको मजा आ रहा है तो कृपया करके हमें कॉमेडी सर्कस से मत गिराइए। और उसके बाद इस सिल्वर स्क्रीन को एक बहुत बड़ा सुपरस्टार मिला, जिसे लोग चाचू के नाम से बुलाने लगे। चाचा नहीं, काका। हाँ हाँ, काका। चाचा। बाबू मोशाय, ये जीवन एक रंगमंच है बाबू मोशाय, और हम सब यहाँ की कठपुतलियाँ हैं जिसकी डोर उस ऊपर वाले के हाथ में है रे। 35 साल पहले ये डायलॉग बोला गया था, लेकिन आज ये सच हुआ कि हम कठपुतलियों की डोर ऊपर वाले के हाथ में है रे। लेकिन मेरी हीरोइन कहाँ है रे? शर्मिला। काका, तुम्हारा फूल कहाँ है शर्मिला? हमारे अगर फूल से फूल नहीं टकराएंगे तो हमारे बच्चे कैसे पैदा होंगे रे? काका, हाँ? मैं फूल जानबूझ कर नहीं लेकर आई। क्यों? क्योंकि मैं फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रही थी। कुछ समझे प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी? अरे हम परिमल त्रिपाठी नहीं है रे, परिमल त्रिपाठी तो केबीसी चला रहा है आजकल। बस परिमल त्रिपाठी का नाम मत लो, वो तो एक नंबर के चीटर हैं। यहाँ पर मुझे बॉटनी पढ़ाते थे, सिर्फ और सिर्फ बॉटनी, और वहाँ जाकर बॉटनी को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट्स में सवाल पूछते हैं। तुम तो ऐसे नहीं हो बाबू मोशाय। रो मत पुष्पा, यू नो आई हेट बियर, डू यू हैव व्हिस्की? याद रखिए, ये खूबसूरत डायलॉग आपने सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्क्रीन पे सुने थे। जितने पैसे मल्टीप्लेक्स की फिल्में आजकल कमाती हैं, उतने पैसे तो सलीम जावेद के एक एक डायलॉग पर लोग स्क्रीन के ऊपर चिल्लर में फेंक दिया करते थे रे। सोहेल जी, चिल्लर तो हमें भी मिलते हैं हमारे एक्ट पे, फर्क सिर्फ इतना है वो नंबरों के रूप में मिलते हैं। लेकिन उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट का ज़माना गया और रंगमंच आ गया, जहां पर इस सिंगल स्क्रीन को आखिरी तीन मुख्य स्टार मिले, सलमान खान, शाहरुख खान और सोहेल खान। सोहेल नहीं, आमिर खान। अरे आमिर खान होगा अपने घर पे, हमें तो जिससे नंबर लेने हैं वही हमारे लिए सुपरस्टार है। ये ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है, कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर मेरे रावण के पोस्टर नहीं लगे? हाँ लगता है ये कॉमेडी सर्कस का स्टेशन है। मैं समझ गया, यहाँ पर सिर्फ अर्चना पूरन सिंह और कृष्णा की मूवी के ही पोस्टर लगते हैं ना। हाँ? सिमरन, अरे सिमरन, सिमरन, अरे तुम्हारे बाबा से इतनी मुश्किल बचकर आया हूँ, अब तुम मुझे क्यों मारने के लिए दौड़ रही हो? राज, मैं तुम्हें मारने के लिए दौड़ रही, मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए दौड़ रही हूँ। लेकिन आज क्यों भाग रही हो? एलिमिनेशन तो कल है। हाँ नहीं राज, एलिमिनेशन आज है। आज है तो सिमरन भाग फ्रॉम जजेस। सिमरन, अगर तुम्हें ही मुंह से म्यूजिक बजाना है तो इनको क्यों रखा हुआ है? मैं तुमसे एक बात कहूं, रावण 26 दिसंबर को जरूर देखना। ये अपनी बातें शुरू प्रमोशन की करते रहे, जी मैं तो तंग आ गया। मैंने कहा था ना, क्या बात करने की फिल्म को सिर्फ रोहित शेट्टी की फिल्म की बात करना। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था राज, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, मैंने बनाए, मैंने कहा था, मैंने कहा था ना। नहीं कर रहा हूं मैं प्रमोशन अपनी फिल्म के, नहीं कर रहा हूं। अरे मैं तो अपने एक्ट की प्रमोशन कर रहा हूं कि हमारी फिल्म रावण दोनों थिएटर्स में लगेगी, मल्टी स्क्रीन में भी और सिंगल स्क्रीन में भी, इसलिए सिंगल स्क्रीन को मत तोड़िए। हाँ। और रचना जी, इस सिंगल एक्सप्रेशन वाले एक्टर को, जिसने सभी कैरेक्टर सिंगल एक्सप्रेशन में किए, उसको भी नंबर दे दीजिए। सिंगल एक्सप्रेशन वाले। अर्चना, आपको कैसी लगी इनकी फिल्म? फेस्टिवल कहूँ कि क्या कहूँ? इस सिंगल एक्सप्रेशन के साथ तुमने हमें कभी शाहरुख दिखाया, कभी देव साहब दिखाया। बहुत बढ़िया, आप दोनों ने और क्रिएटिव टीम ने कमाल का एक्ट हमारे सामने पेश किया। वेरी गुड।